हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश लर्निंग में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर बहुत ही शानदार निबंध। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन अंग्रेजों के कानूनों को हटाकर हमने खुद के संविधान को अपनाया था। संसद से भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यही कारण है कि इस दिन को हम सभी भारतीय त्योहार के रूप में मनाते हैं।
भारत में लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियम का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इस बात पर जब ब्रिटिश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तब भारतीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की जिसे 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में बनाकर तैयार किया गया। इस दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को भी घोषित कर दिया गया था।
और उस दिन से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान का निर्माण करना व संविधान बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि थे। इनके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता अथवा प्रेस को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा।
जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। छब्बीस जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन अलग अलग रेजिमेंट भारतीय तीनों सेनाएं जल थल वायु गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाता है।
विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में झांकियां निकालकर नारे लगाए जाते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे भाषण, नृत्य, चित्रकला, देशभक्ति गीत, नाटक आदि का प्रदर्शन करते हैं। छब्बीस जनवरी के दिन देश के शहीदों को और उनके बलिदान को याद किया जाता है। इस आयोजन में गणतंत्र दिवस के आयोजन की आधिकारिक रूप से समापन की घोषणा की जाती है।